हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल वुमेंस वर्ल्ड। सो आज का ये वीडियो कुछ अलग है क्योंकि मैं आज आप लोगों के साथ अपना एक सरोजनी नगर हॉल वीडियो शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं गई थी आज सरोजनी नगर। यस, आज है संडे और आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी, लेकिन फिर भी मुझे सरोजनी नगर बहुत टाइम से जाना था तो इसलिए मैं गई थी सरोजनी नगर। तो उसका एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ और किस तरह का स्टफ़ अभी वहाँ पे मिल रहा है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ जो मैं चीज़ें लेकर आई हूँ सरोजनी नगर से, एंड उसका एक लुक बुक जो है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा या यहाँ पे दिख जाएगा, एंड कॉस्ट भी नीचे यहाँ पे कहीं पे दिख जाएगी, एंड डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगी एग्जैक्टली क्या है और उसका प्राइस भी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है ये टॉप, ये इस तरीके का टॉप है और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है बिकॉज ऑफ दिस नेक। तो मैंने ये जान के ये वाला नेक लिया है बिकॉज दिस इज़ नॉट सो डीप, एंड ऑल्सो जब आप इसको पहनेंगे तो बहुत ही ज़्यादा स्टाइलिश लुक देता है आपको। इसका कलर जो है वो पिंकिश पीच कलर है और ये इस तरीके का शॉर्ट टॉप है। तो ये काफ़ी अच्छा इसका फैब्रिक है और बहुत ही ज़्यादा जो है गर्मियों में चलने वाला फैब्रिक है। इसमें आपको बहुत ही कूलिंग इफेक्ट मिलेगा एंड बिल्कुल भी आपको गर्मी नहीं लगेगी। इसको आप टक इन करके पहन सकते हैं ट्राउज़र्स के साथ, आप इसको जीन्स के साथ भी पहन सकते हैं, आप इसको प्लाजो के साथ भी पहन सकते हैं, स्कर्ट के साथ भी पहन सकते हैं, सुपरेबली आप इसको सारी ही चीज़ों के साथ पहन सकते हैं, आप जिसके साथ भी इसको स्टाइल अप करना चाहें। तो ये था मेरा फर्स्ट आउटफिट और ये मुझे बहुत ही अच्छे रीज़नेबल रेट पर मिला है। That is why I love सरोजनी नगर। बस सरोजनी नगर के साथ एक ही चीज़ है कि आप जब भी वहाँ से कोई चीज़ें लें तो उनको पहले वॉश कर लीजिए। दूसरी बात, वहाँ पे ख़रीदने से पहले ज़रूर आप ढंग से चेक करिएगा कि कोई डिफेक्टिव पीस तो नहीं है, कहीं से कटा फटा ना हो, कोई कलर ना लगा हो। दूसरा पीस मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो है ये। अगेन दिस इज़ अ टॉप एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी नाइस वाइट कलर का ये टॉप है और काफ़ी अच्छी इसकी डिटेलिंग है। इसमें इस तरीके का कुछ पैटर्न दिया गया है जो कि आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का पैटर्न है और ये भी आप किसी भी चीज़ के साथ स्टाइल अप कर सकते हैं बिकॉज वाइट है तो समर्स में बहुत ही ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट देगा एंड आपको बिल्कुल भी इसमें गर्मी नहीं लगेगी। इसमें एक्चुअली ब्लैक कलर भी मिल रहा था लेकिन मैंने ब्लैक कलर नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ सूदिंग कलर्स लेने थे जो गर्मियों में आपको ठंडक देते हैं, ना कि और ज़्यादा गर्म फील कराते हैं। सो दिस इज़ माई सेकेंड बाय एंड आई जस्ट लव इट। जो थर्ड टॉप मैं आपको दिखाने जा रही हूँ वो नॉट सो फॉर्मल टॉप है, इट्स अ वेरी कैजुअल टॉप और ये आप इस तरीके का टॉप है। पहले आप देख लीजिए, ये ब्लैक कलर का इस तरीके का टॉप है और इसकी जो है रफल स्लीव्स हैं जो मुझे काफ़ी पसंद आई थी एंड आई थिंक इसके लिए ही मैंने ये टॉप लिया है। दीज आर द रफल स्लीव्स एंड ये काफ़ी स्ट्रेचेबल है तो ये काफ़ी अच्छे से स्ट्रेच हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि इसका कपड़ा कॉटन है तो काफ़ी अच्छा रहेगा समर्स में, और आप इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ स्टाइल अप कर सकते हैं। इसको एक जेगिंग्स के साथ आप स्टाइल अप कर सकते हैं, इसको जीन्स के साथ स्टाइल अप कर सकते हैं, तो ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। इसका नेक भी बहुत अच्छा है एंड आई क्वाइट लाइक दिस वन बिकॉज इज अ वेरी समरी टॉप। समर्स हो तो आपके पास वाइट टॉप्स ज़रूर होने चाहिए बिकॉज वाइट कॉटन टॉप्स आर अ मस्ट हैव इन समर्स। तो मैंने लिया है ये इस तरीका का एक टॉप, इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी जो है यहाँ पे कढ़ाई हो रखी है एंड ये इसकी लेंथ जो है वो इतनी है और स्लीव्स भी काफ़ी अच्छी हैं। और ये मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये वाइट है, एक तो प्योर कॉटन टॉप है और दूसरी बात कि इसके मतलब आप इसको बहुत सारी चीज़ों के साथ स्टाइल कर सकते हैं, आप इसको फॉर्मली भी पहन सकते हैं, इनफॉर्मली भी पहन सकते हैं। तो मुझे ये टॉप जो है पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन एक चीज़ जो मैंने इसमें वहाँ पे नहीं देखी या पता नहीं बहुत ज़्यादा गर्मी थी मुझे दिखाई नहीं दी कि इसमें जो है छोटा सा एक एक स्टेन है कहीं कहीं जगह पर दिख रहा है। मैं ट्राई करूँगी इसको साफ़ करने का बट यहाँ पर है एक स्टेन, अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा कैमरा पे बट स्टेन है इसमें, इसकी स्लीव भी स्टेन है, मुझे देख के बहुत दुख हुआ एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि बिकॉज जो शॉपकीपर्स होते हैं उनको पता होता है एक्चुअली कि उनके कपड़ों में स्टेन है या जो वो बेच रहे हैं दे आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। एंड क्योंकि इन वाले भैया से मैंने बार्गेनिंग भी नहीं की थी ज़्यादा क्योंकि मुझे नहीं सही लगा ज़्यादा बार्गेनिंग करना, तो मुझे थोड़ा सा दुख हुआ ये देख के कि पीपल मेक यू फूल वेरी ईजिली। तो फिर मुझे लगता है कि बार्गेनिंग
वॉशिंग करना ही ठीक है, क्योंकि फिर अगर आपको पता है कि आपको आपके कपड़े में डिफेक्ट है तो फिर आपको उसको नहीं इस तरह से बेचना चाहिए, या फिर बता देना चाहिए कि मैडम आप मत लो, इसमें डिफेक्ट है। तो उससे क्या होगा कि मैं उस समय उनका वो वाला टॉप बेशक ना लेती, ये वाला टॉप मैं ना खरीदती, लेकिन मैं अगली बार उनकी शॉप में ज़रूर जाती, क्योंकि उन्होंने यू नो मुझे बताया होता कि उनके कपड़े में डिफेक्ट है। बट एनीवेज माई फॉल्ट कि मैंने देखने से पहले ठीक से चेक नहीं किया, बट आप ज़रूर करिएगा जब भी आप सरोजनगर से शॉपिंग करें। दूसरा, मैंने ये शर्ट स्टाइल टॉप लिया है, ये भी बहुत ही अच्छा है एंड दिस इज़ वाइट अगेन, और मुझे काफ़ी पसंद आया था, और मुझे वाइट कपड़े बहुत पसंद है। दो उनका मेंटेनेंस काफ़ी हाई होता है, लेकिन वाइट कपड़े अलग ही दिखते हैं स्पेशली इन समर्स। तो मैंने ये इस तरह का टॉप है, आपको यहाँ पे कहीं पे दिख जाएगा पूरा पहना हुआ, तो ये काफ़ी अच्छा है, ये भी फॉर्मल टॉप है एंड इसमें थैंकफुली कहीं पे भी कोई स्टेन नहीं है अभी तक, तो मैंने देख लिया कहीं पे भी कोई स्टेन नहीं है। अच्छा, इनके अंदर पहनने के लिए आपको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ स्पेगेटी चाहिए होता है, तो मैंने ये भी लिया है, वाइट जो है ये मैंने लिया है, और ये है साइज़ मीडियम में, तो ये आपका बहुत आपको लाइफ सेवर है, क्योंकि आप कुछ भी वाइट पहने तो वो ट्रांसपेरेंट होते ही हैं, स्पेशली कॉटन, तो ये आपको जो है बचा लेता है एंड वाइट कपड़ों के नीचे ये पहन के काफ़ी सही लगते हैं कपड़े। तो ये भी आप स्पेशली ब्लू डेनिम्स के साथ आप पहनिए, या फिर आप इसको नॉर्मल अपनी जीन्स के साथ पहनिए, ब्लैक जीन्स के साथ पहनिए, ब्लू डेनिम्स के साथ पहनिए, बहुत ही अच्छा लगेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने जो लिया है वो है ये एक बहुत ही लूज़ फिट टी शर्ट, बैगी टी शर्ट, जो मुझे बहुत पसंद है इस तरीके की टी शर्ट, पर मुझे मिल नहीं रही थी कोई अच्छी, पर मुझे फाइनली ये वाली दिख गई, स्टार वॉर्स लिखा है इस पर एंड काफ़ी अच्छी, काफ़ी बड़ी, कलर भी काफ़ी अच्छा है ग्रे कलर, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी ये वाली एंड हालांकि माय मॉम वाज सेइंग कि ये क्यों, मतलब ये तो बहुत ही ढीली है, मैंने कहा मम्मा आजकल ऐसे ही चल रहे हैं एंड इसको आप किसी भी टाइट फिटेड बॉटम के साथ पहन सकते हैं, वेदर इट इज़ अ जेगिंग, वेदर इट इज़ अ जीन्स, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाएगा। तो ये मैंने लिया है, मैंने दो ट्राउज़र्स भी लिए हैं जो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ट्राउज़र्स तो मुझे बिल्कुल ख़रीदने ही थे, बिकॉज मेरे पास ट्राउज़र्स जो है बिल्कुल भी नहीं थे एंड आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन वेरी वेरी कॉस्टली ट्राउज़र्स फ्रॉम ब्रांड्स, बिकॉज वो फिर आप थोड़े टाइम पहन पाते हो एंड यू वांट चेंज यू नो। तो मेरे पास है ब्रांडेड भी, बट मैं सरोजनी से भी ले लेती हूँ, इट्स नॉट दैट आई डोंट गो फॉर, बट मैंने जो ये लिया है ये वाला ट्राउज़र ब्लू, ये काफ़ी अच्छा है, बट मुझे थोड़ा सा इसका ना फिट देखना पड़ेगा, अभी यहाँ पे पहन के मैं ऑलरेडी देख चुकी होंगी जब तक ये वीडियो आएगा, बट मुझे इसका फिट, क्योंकि उन्होंने बोला ये 34 है एंड यूजुअली मुझे 32 आ जाता है, ठीक है, तो बट ये 34 है, बट अदरवाइज इट हैज़ गॉट दीज यू नो वेरी वेरी नाइस फॉर्मल लुकिंग पार्टीशंस, व्हाट यू कॉल इट, व्हाटएवर, तो ये इस तरीके का दिया हुआ है स्टिचिंग्स, तो ये मुझे बहुत पसंद आई इसलिए ये ट्राउज़र। ओके, सो दिस इज़ वन एंड सेकेंड जो मैंने लिया वो थोड़ा सा अलग है, पर मुझे ये ट्राई करना था, दिस इज़ अ बॉटल ग्रीन ट्राउज़र। ओके एंड इसमें जो है लास्ट में मैं आपको दिखाती हूँ, ये इस तरीके का, ये इन्होंने कुछ डिज़ाइन दिया है, ये एक्चुअली आपके पैर के नीचे आप पहन सकते हो एंड दिस इज़ आई एंड दिस वन इज़ आई थिंक हाई वेस्ट, बिकॉज इसका ये छोटा है, बट आई एम श्योर ये मुझे आ जाएगा, अभी पता चलेगा जब मैं आपको यहाँ पे लुक बुक करके दिखाऊंगी। उसके अलावा एक और चीज़ है, मैंने लिया है ये नाइटी, नाइटी जो है मैं यूजुअली ऐसी लेती नहीं हूँ, बट मैंने इस बार ले ली क्योंकि इसकी लेंथ छोटी थी एंड मुझे ये पसंद आया, ये कॉटन नाइटी है। ओके एंड इसके स्लीव्स भी बस इतनी सी ही हैं, मतलब काफ़ी एरी यू नो विंडी टाइप की नाइटी है एंड बस ये बहुत छोटी सी है, इतनी सी ही है, मतलब आपके नी से थोड़ा सा नीचे आएगी, तो ये मुझे प्रिंट बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे प्रिंट थे वहाँ पे, येलो, पिंक, यू नो ब्लू, व्हाटएवर कलर यू कैन थिंक ऑफ वर ऑल देयर एंड प्रिंट्स वर वेरी वेरी गुड एंड ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छे से, मतलब आप पहन भी सकते हो, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी एंड ये वॉशेबल भी बहुत, मतलब क्विक वॉश है, यू नो कॉटन है तो क्विक वॉश है। इसके अलावा मैंने आप दो सूट भी लिए हैं, वो मैं आपको दिखा ही देती हूँ। तो ये है वो सूट, ओके सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक चश्मा भी लिया है, काला चश्मा, तो ये है वो चश्मा जो कि मैंने लिया है, तो ये भी मैंने लिया है एंड ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे, ये ज़्यादा बार्गेनिंग करनी पड़ी बट उन्होंने दे दिए। आई थिंक मुझे ये मम्मी ने भी लिया था तो 250 में एक मिला है, अदरवाइज़ वो 350 बोल रहे थे तो उन्होंने 500 के दो दे दिए। तो ये सरोजनी नगर में आपको ग्लासेस ठीक ठाक मिल जाते हैं, मतलब इट्स नॉट लाइक कि
वेरी नाइस बट आपको वर्केबल सनग्लासेस आपको मिल जाते हैं, तो ये भी मैंने लिया। एक्सेसरी में बस मैंने एक ही चीज़ ली है, मैंने कोई इयर रिंग्स, कोई गले का नेक पीस कुछ नहीं, चप्पलें वप्पलें कुछ नहीं लिया। तो मैं आपको सूट दिखाती हूँ अब। सूट भी कॉटन है, कॉटन ही चाहिए थे मुझे एंड मुझे लाइट कलर्स चाहिए थे, तो मैंने ये वाला सूट लिया है। एक तो ये वाला, अभी आप यहाँ पे साइड में पहन के दिखाऊंगी तो ज़्यादा अच्छे से दिख जाएगा। तो ये वाला सूट मैंने लिया है और काफ़ी अच्छा लगा मुझे इसका कलर एंड इसका दुपट्टा वगैरह भी बहुत ही अच्छा है, तो ये मैंने लिया है। और दूसरा जो मैंने सूट लिया है वो है ये वाला ब्राउन कलर का, तो ये भी काफ़ी अच्छा है, इसमें वर्क है यहाँ पर। और बस ये है कि उन्होंने जो है मुझे मीडियम साइज़ बोला था, तो वो मुझे मीडियम साइज़ दिखा रहे थे एंड मीडियम साइज़ मुझे लग रहा था कि लार्ज था, उनका मीडियम लार्ज था, तो मैंने उनको बोला कि मुझे स्मॉल साइज़ दे दीजिए। तो उन्होंने बोला कि मैम आपको स्मॉल साइज़ नहीं आएगा, आपको मीडियम आएगा। मैंने कहा मुझे पता है मुझे क्या आएगा, आप मुझे स्मॉल साइज़ दो। एंड हियर आई एम, आप देख सकते हैं कि मैंने स्मॉल साइज़ पहना। मैं कितना कॉन्फिडेंटली बोल रही हूँ अभी जब मैं ये बोल रही हूँ, तो मैंने ये शूट लुक बुक शूट नहीं किया है बट आई नो कि मुझे ये आ जाएगा और आप देख सकते हैं। तो या तो मैंने ये चीज़ें ली हैं, आई होप आपको ये चीज़ें सारी बहुत पसंद आई होंगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई हैं। मैं मेरा शॉपिंग करने का एक फंडा ये है कि मैं ज़्यादा देखती हूँ, अगर मैं देखती हूँ बट मुझे अगर एक बार चीज़ क्लिक हो गई तो फिर मैं बस वो झट से उठा लेती हूँ, फिर मैं देर नहीं करती कि हाँ इसको साइड में रखो अभी और देख लेते हैं, नहीं मैं वो नहीं करती हूँ। मुझे बस एक क्लिक में पसंद आनी चाहिए, चाहे वो अगर वो पीस मुझे सबसे पहले दिख गया तो मैं सबसे पहले उसको लेके निकल लूँगी। मैं नहीं देखती कि मुझे और देखना है, अभी तो मैंने फर्स्ट ही पीस देखा है, नहीं मुझे पसंद आ गया तो मैं उसको ले लूँगी, उठा लूँगी, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि मैं पूरा सरोजनी नगर छान लूँ लेकिन मुझे एक पीस नहीं मिलता, सो इट्स जस्ट दैट डे। सो आज का वो दिन था जब मुझे बहुत सारी चीज़ें मेरी मनपसंद की मिल गई एंड आई एम क्वाइट हैप्पी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया है सो प्लीज़ इसे लाइक दे दीजिए, शेयर भी करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं। और अगर आप ऐसे ही हॉल वीडियोज़ और भी मार्केट्स के चाहते हैं या और कुछ चाहते हैं, सरोजनी नगर की ज्वेलरी चाहते हैं, फुटवेयर चाहते हैं स्पेसिफिकली, तो मुझे बताइएगा कॉमेंट करके एंड मैं वो आप लोगों के लिए शूट करूँगी। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।